अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीना स्टाइल चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई गोश्त। इसे हम चिकन या मटन दोनों में ही ऐसे ही बना सकते हैं। उसके लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए होंगी, तरीका सेम यही रहेगा। अब चाहे आप चिकन में बनाएं या फिर मटन में, तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद इलायची, दालचीनी। इन सबको हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बनाना है हमें। और यहाँ पे हमने लिया है चिकन, ये बॉईल किया हुआ चिकन है। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर इसे बॉईल किया है। अब ये है धनिया पाउडर और थोड़ा सा पुदीना लिया है, पुदीना पत्ती है ये। और ये है कटी हुई हरी मिर्च और ये हमने चॉप किए हैं टमाटर। हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, अब हम इसमें चिकन के पीस डालेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए चिकन भून चुका है, अब इसके ऊपर से हम डालेंगे टमाटर। और इसको चला लेंगे। थोड़ी देर टमाटर को भी इसको साथ में मिक्स करके भूनना है। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेते हैं। ये डाली है हमने हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले जो हमने पीस रखे हैं, खड़े मसाले जो थे सारे हमने पीस के इसका पाउडर बनाया, अब इसमें डाल देंगे। और ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। और ये है हमारा चिकन का स्टॉक, यानी जिसमें हमने चिकन बॉईल किया था उसका पानी, ये भी डाल दिया। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। कवर करके रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। तैयार हो चुका है हमारा चिकन कढ़ाई गोश्त, इसमें तेल भी छूटा है। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सर्व कर लिया है चिकन कढ़ाई गोश्त को प्लेट में। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल सकते हैं। रेडी है हमारा चिकन कढ़ाई गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाऊंगी और भी प्यारी प्यारी वीडियोज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।